को डेवलप कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कॉस्ट किस तरीके की इन्वॉल्व होती है आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है अपने ब्रांड के बारे में जो कंज्यूमर है उसे बताना पड़ता है इसके अलावा आपको पैकेजिंग अट्रैक्टिव करनी पड़ेगी अफेक्टिव सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी क्वालिटी जो है आपको अपने प्रोडक्ट की मेंटेन रखनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो अगर आप ब्रांड को डेवलप कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है तो जिसकी वजह से जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो हमेशा उसको हाई रखता है ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा ले सके इसीलिए जो रिटेल प्राइस होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट का वो पहले से ही ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट हाई होता है और अगर आप उसे कम कर दोगे तो जो आपका कॉस्ट है वो आपकी क्योंकि इंक्रीज कॉस्ट है और जो आपका प्राइस आपने कम कर लिया तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा तो जो फर्स्ट डिस मैन्युफैक्चरर को होता है दैट इज की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है द नेक्स्ट इज इमपोजेस रिस्पांसिबिलिटी ब्रांड अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उसे अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी और जो भी उसमें उसने क्लेम किया है कि प्रोडक्ट में वो वैल्यू सेटिस्फैक्शन देगा कस्टमर को उसे मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो फेल होता है वो मेंटेन करने में तो जो कंज्यूमर है वो ब्रांड ऑनर को क्योंकि इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है ब्रांड से तो उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकता है और जिससे कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है ब्रांड में लूज हो जाएगा देन नेक्स्ट इज योर एक्सपेंसिव जो ब्रांड है वो मोनोपालिक कंडीशंस क्रिएट कर देता है कई बार मार्केट में अगर एक ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए मोनोपली कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं हालांकि उसका बेनिफिट होता है मैन्युफैक्चरर को लेकिन ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन को को क्रिएट क्रिएट करने करने में, करने में लॉयल्टी जो एक्सपेंस है वो भी ज्यादा होता है और पर्टिकुलरली जो स्मॉल साइज कंपनीज हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो जो ब्रांडिंग है वो एक्स्ट्रा बॉर्डन प्रोड्यूसर के ऊपर डाल देती हैं. देन नेक्स्ट इज योर ब्रांडलेसनेस कुछ सर्टेन प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन का आप कोई ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनका नेचर ही वही है जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल नेल्स, पिंस एसेट्रा और ये ज्यादा यूजफुल नहीं है अगर आप इन प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड क्रिएट भी करते हो क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है द नेक्स्ट इज योर अपोज बाय मिडल मैन नॉर्मली जो रिटेलर्स और होल होते हैं जिन प्रोडक्ट्स का ब्रांड नहीं होता वो उनको स्टॉक नहीं करते लेकिन अगर ब्रांड पॉपुलर है भी तब भी ज़रूरी नहीं है कि जो होल है और रिटेलर है वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको स्टॉक करेंगे ही करेंगे वो ये रीज़न भी दे सकते हैं कि क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है Uh, जो मिडल मैन का है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो जाता है और जो मैन्युफैक्चरर है उसे लॉस सफर करना पड़ता है द नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू दंज्यूमर सबसे पहला है ग्रेटर कंफ्यूजन बहुत सारे ब्रांड्स एक प्रोडक्ट के अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर एक जो ब्रांड है वो अपने आप को बेस्ट बता रहा है तो जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको मुझे खरीदना है ब्रांड क्रिएट करता है लॉयल्टी कस्टमर्स के बीच में और जो कंज्यूमर है जो बेटर प्रोडक्ट उससे ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता द नेक्स्ट इज डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी कई बार ब्रांड नेम अगर पॉपुलर हो जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर है उसकी क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देता है क्योंकि डिमांड है तो वो इन्फीरियर प्रोडक्ट को भी ब्रांड का बता के बेच देता है और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करवाने लगता है और इस तरीके से जो कंज्यूमर है वो चिटेड फील करता है द नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन प्राइस एक जो ब्रांड है अगर वो एक बार पॉपुलर हो गया तो जो मैन्युफैक्चर है वो उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो उसका प्राइस हाई रखेगा ताकि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है मार्केट से वो गेन कर सके देन इज डिस्करेज फ्रॉम ट्राइंग अदर प्रोडक्ट्स जब ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो गई तो जो कंज्यूमर है वो दूसरे न्यू ब्रांड्स को ट्राई ही नहीं करता है जो उसे ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं The next commands premium. क्योंकि ब्रांड जब आप क्रिएट कर रहे हो और उसकी पॉपुलैरिटी हो गई है तो प्राइस आप उसका ज़्यादा रखते हो जिसकी वजह से जो कॉमन मैन है वो प्रोडक्ट उनकी रीच से बाहर चला जाता है देन अगर हम कंपेयर करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो ब्रांडिंग के हैं तो एडवांटेजेस ज्यादा पावरफुल है जो ब्रांडिंग है वो बेनिफिट देती है सोसाइटी को एज अ होल ये हेल्प करती है मैन्युफैक्चरर्स को मिडल मैन को कंज्यूमर्स को और मोर देन 95 फाइव परसेंट जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो आप डेली कंज्यूम करते हो वो ब्रांडेड होते हैं तो जो ब्रांडिंग है वो इंश्योर करती है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस अवेलेबल हो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इज ब्रांडिंग सोशली डिजायरेबल कि जो ब्रांडिंग है क्या सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो वाकई ही डिजायरेबल है या नहीं है ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है अब इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से ही हम कंपेयर कर सकते हैं कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका ओपिनियन ये है कि ब्रांड नेम को यूज करना डिजायरेबल है जबकि कुछ जो दूसरे स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये सोशली डिजायरेबल नहीं है वो स्कॉलर जो फेवर करते हैं कि जो यूज है ब्रांड का वो डिजायरेबल है वो उसके एडवांटेजेस गिनवाते हैं कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है रीजनेबल प्राइजेस पे गारंटी मिल रही है आपको आफ्टर सेल सर्विसेज की और जिससे आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज की सिलेक्शन है वो भी ईजी हो जाता है कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है उनका वैल्यूएबल टाइम और मनी सेव होता है इसीलिए वो उसे डिजायरेबल मानते हैं जबकि जो स्कॉलर उसको अपोज करते हैं कि जो ब्रांड यूज है वो डिजायरेबल नहीं है तो वो उसके डिसएडवांटेजेस गिनवाते हैं कि अगर आप ब्रांड यूज करते हो तो उससे मोनोपोली इनकरेज होती है कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयट होते हैं इरेशनल डिसीजन लेते हैं वाइल मेकिंग देयर सिलेक्शन और वो एक पर्टिकुलर ब्रांड में ही कन्फाइन होकर रह जाते हैं और एट द सेम टाइम जो न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो में एंटर नहीं कर सकती हैं जिसकी वजह से कैपिटलिज्म इंक्रीज uh, होता है और इंटरेस्ट जो बोथ और कंज्यूमर्स और वर्कर्स का है वो भी जो है डैमेज uh, होता है जो उनका इंटरेस्ट है दोनों का कंज्यूमर्स जो बाय करता है प्रोडक्ट चाहे वो ब्रांडेड करे चाहे अनब्रांडेड करे वो सिर्फ इसलिए बाय कर रहा है ताकि उसकी हो तो जो यूज़ है ब्रांड का वो अननेसेसरी और अनबल है तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें कि दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं एडवांटेजेस के और डिसएडवांटेजेस के उनमें कुछ लॉजिक और मीनिंग है लेकिन किसी भी डिसएडवांटेजेस को आप एकदम से रिजेक्ट नहीं कर सकते है कि डिसएडवांटेजेस हैं यूज ऑफ ब्रांड के लेकिन उसके एडवांटेजेस भी हैं जब हम कंपेयर करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को तो जो एडवांटेजेस है वो ज्यादा पावरफुल है देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रांड क्लासिफिकेशन ब्रांड क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट बेसिस पे जो ब्रांड है उसको डिवाइड करते हैं

ब्रांड हम इसमें सबसे पहला कर रहे हैं तो एक ब्रांड जिसे ओन मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसने उसको रजिस्टर करवाया है एज अ ट्रेडमार्क अंडर ओन नेम मतलब मैन्युफैक्चरर ने अपने नाम के अंडर जो है ब्रांड को रजिस्टर करवाया है तो उसे हम मैन्युफैक्चरर ब्रांड कहेंगे इस टाइप का जो ब्रांड है वो बड़े मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं जिनकी बहुत सारी बड़ी नंबर में जो प्रोडक्ट लाइंस है वो होती हैं और हाई एनुअल सेल्स होती है गुड वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उनके पास होती है मार्केटिंग एक्सपीरियंस होता है फाइनेंशियल पोजीशन उनकी अच्छी होती है फॉर एग्जांपल टाटा बिरला मोदी गोदरेज बजाज थापर ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो मैनुफेक्चरर्स ब्रांड है Uh, जैसे गोदरेज कंपनी है वो गोदरेज जो वो नेम है ब्रांड का वो अपने सभी प्रोडक्ट्स पर यूज करती है वो चाहे अलमीरा है ऑफिस फर्नीचर है ऑफिस इक्विपमेंट है डिटर्जेंट पाउडर है सोप है रेफ्रिजरेटर है लॉक्स है एसेक्ट्रा जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं देन नेक्स्ट इज योर मिडल मैन ब्रांड ये जो ब्रांड है उसे ओन मिडलमैन करता है और वो अपने नेम के अंडर ही उसे रजिस्टर करवाता है जो मैन्युफैक्चरर है वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट सोल्ड करता है मिडलमैन को और जो मिडलमैन है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना मार्क लगाता है और ये टाइप की जो ब्रांड पॉलिसी है वो जनरली बिग होलसेलर और लार्ज साइज रिटेलर्स यूज करते हैं तो मिडलमैन ब्रांड्स जो होते हैं वो जनरली जो लोकल uh, आइटम्स होती हैं जैसे वुलन हॉजरी स्पोर्ट्स गुड्स इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा के लिए यूज होता है द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया पहला है लोकल ब्रांड जब एक ब्रांड पर्टिकुलर मार्केट एरिया में यूज हो रहा है तो उसे लोकल ब्रांड कहा जाता है इस टाइप के ब्रांड के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिफरेंट ब्रांड्स यूज करता है अपने प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केट एरियाज में और ये जो टाइप का ब्रांडिंग होता है इसके अंडर जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जैसे रेडीमेड गार्मेंट स्पोर्ट्स मटीरियल इलेक्ट्रिक अप्लाइंस वॉशिंग तो स्टील फर्नीचर एक्सेट्रा वो इसे यूज करते हैं देन नेक्स्ट इज रीजनल ब्रांड जब एक जो मैन्युफैक्चर है उसने मार्केट को सेगमेंट कर दिया है डिफरेंट रीजन्स में और तो वो डिफरेंट ब्रांड नेम्स हर एक रीजन के लिए यूज करता है उसे हम रीजनल ब्रांड कहते हैं इस टाइप की ब्रांडिंग कम पॉपुलर है लेकिन कुछ मैनुफैक्चर स्टिल यूज फॉर रेडीमेड गारमेंट इलेक्ट्रिक्लाइन फॉर एग्जाम्पल जो मस्टर्ड ऑयल है वही मस्टर्ड ऑयल राजस्थान में आप सोल्ड कर रहे हो और एवरेस्ट के नेम से उसी मस्टर्ड ऑयल को आप नॉर्दर्न स्टेट में सेल कर रहे हो गणेश के नेम से सदर्न स्टेट्स में और काली के नेम से ईस्टर्न स्टेट में आप उसे सोल्ड कर रहे हो देन नेक्स्ट इज योर नेशनल ब्रांड जब जो एक मैन्युफैक्चरर है वो सिंगल ब्रांड यूज कर रहा है फॉर मार्केटिंग हिज प्रोडक्ट इन होल नेशन पूरी कंट्री के लिए एक ही जो सिंगल ब्रांड है वो यूज कर रहा है तो उसे नेशनल ब्रांड कहा जाता है जो भी आपकी बिग कंपनीज हैं कंट्री की वो इस टाइप की ब्रांडिंग को यूज करती हैं फॉर एग्जाम्पल हमाम सोप क्लिनिक शैम्पू बजाज स्कूटर मारुति कार